उसके लिए क्या उनके आगे जोलियां फैलानी पड़ेंगी, क्या हमें रोना पड़ेगा उनके आगे? आप जाके कभी वहाँ पे मुआयना करिए बॉर्डर एरिया पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन का नेटवर्क नहीं आएगा, और जब वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ सकता तो आप बच्चों की ऑनलाइन स्टडी कैसे पूरी कर पाओगे? ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। हमारे लोग काफ़ी दिनों के से रोडों पर बैठे हुए हैं, ना तो वहाँ पर कोई कैमरे वाला है जी। ना तो वहीं कोई सरकार का आदमी जा रहा है। बिल लेके आप उनके घर घर में जाते हो, लेकिन पावर आप उनको क्यों नहीं पहुंचाते हो, जिसकी वजह से हमारे खेत, हमारे वहाँ के बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो हैं वहाँ पे बिजली से काफ़ी परेशान होके वहाँ पे आज भी जूझ रहे हैं, और वहाँ पे हाईवे बंद किया हुआ है, वहाँ पे लोगों ने कल से भी प्रोटेस्ट किया था। तो ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। पहले नंबर तो फसल हमारी तैयार है, अगर पानी ना मिलेगा तो फसल हमारी खत्म हो जाएगी, हमारे बच्चों ने जो खाना खाना वो कहाँ से खाएंगे? लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो फोन लेके अपने घरों में वाईफाई लगाएं। बंद करो। आज ऐसा क्या हो गया जो बॉर्डर के लोगों को यहाँ प्रदर्शन करना पड़ा, वो भी जम्मू में आके प्रेस क्लब के बाहर आके? देखिए, आज हम लोगों ने आम आदमी पार्टी की तरफ से, मैं जम्मू पुंछ लोकसभा युवा का प्रधान और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रधान संसार जी, हमारे बाली जी एनपीसी और हमारे ओपी जी और मेरे कुछ मेम्बरान, जो आज हमने एक बड़ा ही काफ़ी दिनों से जो है मतलब कि अफसोसजनक जिसको हम बोलेंगे कि हमारे बहुत ही इनोसेंट जो हमारे बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं, जो बेचारे बॉर्डर एरिया में रह के जम्मू शहर तक यहाँ पे अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, जो कि आज हमने ये पहला कदम उठाया है उनकी आवाज़ को लेके, जो कि उनकी बिजली की जो मांग है वहाँ पे कई सालों से जो है ना तो ट्रांसफार्मर वहाँ पे बढ़ने की वो डिमांड पूरी फुलफिल करवा पाए हैं, ना वहाँ पे कोई हमारी नहरों के पानी का निकास वो बराबर हो पाया है, ना वहाँ पे बच्चों की जो सरकारी स्कूल है उसकी एजुकेशन को लेके हो पाया है, और ना वहाँ पे पूर कनेक्टिविटी, जो कि वहाँ पे टावर जो हैं हमारे फ़ोनों के बराबर नहीं है। आप जाके कभी वहाँ पे मुआयना करिए बॉर्डर एरिया पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन का नेटवर्क नहीं आएगा, और जब वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ सकता तो आप बच्चों की ऑनलाइन स्टडी कैसे पूरी कर पाओगे? ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। बात करते हैं हम हिंदुस्तान में डिजिटल इंडिया की, लेकिन वहाँ पे डिजिटल क्या, वहाँ पे तो पूरा का पूरा ब्लैंक है, और साथ में वहाँ के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो फ़ोन लेके अपने घरों में वाईफाई लगाएं और पांच पांच बच्चे एक फ़ोन पे चला के उनकी पढ़ाई पूरी कर पाएं, और साथ में बिजली जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 19 से 20 पावर प्रोजेक्ट हैं, तो क्या हमें उसके लिए क्या उनके आगे जोलियां फैलानी पड़ेंगी, क्या हमें रोना पड़ेगा उनके आगे कि हमारे पास 20 अपना पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी हमें आपके आगे रोना पड़ेगा कि हमारे ट्रांसफार्मर लगाओ, हमारी बिजली दो, हमें कट ऑफ करो? प्राइवेट करने में आपका सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन उनको बिजली पहुंचाना वो क्यों नहीं आपका हाथ है? बिल लेके आप उनके घर घर में जाते हो, लेकिन पावर आप उनको क्यों नहीं पहुंचाते हो, जिसकी वजह से हमारे खेत, हमारे वहाँ के बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो हैं वहाँ पे बिजली से काफ़ी परेशान होके वहाँ पे आज भी जूझ रहे हैं, और वहाँ पे हाईवे बंद किया हुआ है, वहाँ पे लोगों ने कल से भी प्रोटेस्ट किया था। तो ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है हमारे इस लाचार और बारे मासूम जो लोग हैं बॉर्डर एरिया के, उनके खिलाफ जो है लोगों ने वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन आज हम यहाँ पे आवाज़ उठा के उनका हौसला जो है और अपना बुलंद कर रहे हैं, और हम चाहते हैं सरकार से जल्द जो उनकी डिमांड्स है वो पूरी करो, नहीं तो आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में अपना जितना भी अपना वो उनकी डिमांड्स है पूरा करवाने में दिल्ली में बैठ के गूंज उठाएगी उनकी।